आप लोग कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम? अपने रूम में बैठे ये वीडियो देख रहे होंगे, या अपने सेलफोन पे, या अपने टीवी पे। बहुत अच्छे रह गए आप। हम लोग फंस गए आज। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। पता नहीं आपको नज़र आ रहा है कि नहीं, मगर मेरे जूतों में इस टाइम बर्फ़ है। ये जी एंड पॉइंट आ गया। ये बर्फ़ की एक दीवार है। आपके पास ऑप्शन है, आप इसे क्लाइम कर लें। तो क्या ख्याल है बॉयस? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था, हम लोग इस टाइम पहुँच चुके हैं कुट्टन के अंदर। आज हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं बबून वैली की तरफ, और ये तकरीबन 20 किलोमीटर्स का पैच है, मगर काफ़ी एक्सट्रीम पैच है। इसके अंदर काफ़ी ऑफ रोडिंग है, तो उसको हम आज एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे आज बारिश है काफ़ी ज़्यादा, तो बबून वैली में बारिश में जाना ऐसे ही है जैसे कि आप अपनी मौत को दावत दे रहे हो। मगर लेट्स सी, पहले भी हम लोगों ने जो पासिस किए हैं वो कौन से आसान थे, इसको भी देख लेते हैं कि कितना मुश्किल पास है। अभी आपको बाइक सिखाते हैं जी। अरमगान अपने TRK 502X पे फुल रेडी, फुल किट में, ज़बरदस्त। मोराल बहुत हाई है अरमगान का। अरमगान कह रहा था कि जल्दी निकले, मगर हम थोड़ा सा लेट हो गए, उठने में थोड़ा सा टाइम लग गया। और सनी भाई होंगे, चल साहब होंगे इस पे KTM पे, और ये BMW S1000 XR नहीं जा रहा क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर टायर्स का प्रॉब्लम है। इसके ऊपर बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग टायर्स नहीं लगे हुए। मैं हूँ अफ्रीका ट्विन पे, और फयाज़ भाई आ रहे हैं, वो हैं R1200GS पे BMW पे। तो अभी शुरू करते हैं जी अपना सफ़र। उम्मीद है ये सफ़र खैर खैरियत से गुजरेगा, और आप लोग साथ रहिएगा तो इसको मज़ीद इन्जॉय करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम बबून, सीधा ठीक। खुश आमदीद मॉडल विलेज दिलपई, अगर पता नहीं दिलपई है ना, दिलपई। आपने रेन सूट रखा था? इसके डब्बे में रखा था यार, उसको बोलने के बारिश में भी आ। हाँ हाँ, अबासी के रखा हुआ है, अबासी के। काफ़ी हाइट पे आ गए हैं हम लोग एकदम ही। थोड़ा सा अभी शायद 1-2 किलोमीटर ही ट्रैवल किया होगा, वो नीचे रहेगी वैली जहाँ हम रह रहे थे। आगे देखो बेटा, आगे देखो। बारिश बॉयज अब थोड़ी सी तेज़ हो गई है, तो हमें रेन सूट्स पहन लेने चाहिए, क्योंकि आगे पता नहीं है कि कहाँ कहाँ हमें कितनी बारिश मिलती है। सो बॉयज, बारिश थोड़ी सी रुकी है, दरमियान में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। रेन सूट्स पहने हुए थे, गोप्रो मैंने अंदर रख दिया था, तो अभी बारिश रुकी है, तो आगे फिर शुरू करने लगे हैं सफ़र अपना। ग्लव्स मैंने उतारे थे तब जब बारिश हो रही थी, ताकि वो गीले ना हो। और बाइक को मैं अभी तक मैनुअली चला रहा हूँ, हाथों से, DCT पे नहीं है। मतलब है तो ये DCT, मगर ऑटोमेटिक शिफ्ट पे नहीं है। ये जी थोड़ी सी पत्थरों वाली रोड आई है, उसी तरह का पैच है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर देता हूँ।
उनको आ लेने दें क्योंकि ऊपर चढ़ना है। चलें जी बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। सामने मुझे वो रोड नजर आना शुरू हो गया है, कच्चा सा रोड जो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे एक कोई छोटा सा डैम बना हुआ है, छोटा सा, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। दोबारा सही रोड शुरू हो गई है। ये वाटर क्रॉसिंग करेगा, हम ब्रिज से जाएंगे, ब्रिज से। अच्छा जी, यहाँ दो ऑप्शन है, एक तो ये है कि हम उस छोटी ब्रिज से जाएं, उसका पास जरा छोटा है, दूसरा ये है कि हम वाटर क्रॉसिंग करें, तीसरा ये है कि हम इस ब्रिज के ऊपर से जाएं। मेरे बाकी भाई लोग अभी तक ऊपर ही हैं, मगर मैं जा रहा हूँ पानी में। ये चीज सोची पे आते बंदा गया। चले आजे आजे, शाबाश चौ साहब, इनको क्या वन गो में जाए। गुड, जबरदस्त प्याज भाई, बहुत आला, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त। शहजादे शहजादे, वेल डन। हाँ शहजादा, अफ्रीका ट्विन शहजादा, हाँ चीता, माय हॉर्स, शाबाश शाबाश शाबाश। नीचे नहीं जाना, ऊपर ऊपर। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज मेरे दोस्त। अभी मैंने ये दो टर्न्स लिए, मैंने कैमरा बंद नहीं किया, और वो देखें, वो नज़र आ रही है आपको, वो फॉर्च्यूनर रुकी हुई है। इतनी एकदम से हमने हाइट गेन कर ली है। मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, रास्ता दे। नहीं नहीं गिरे नहीं है, सही जा रहे हैं, बस पत्थर थोड़े से पड़े हैं यहाँ पे।
मियाँ साहब थोड़ा सा रास्ता देना, मैं बड़ा बड़ा कट काट रहा हूँ। अबासी माय लव, बस फियाज भाई आई लव यू। मैं अबासी को उठाऊं, ओ जिंदाबाद, वेल डन। जाने दे जो सर, जबरदस्त। मैं आ रहा हूँ बसी। आपका S1000 ना लाने वाला डिसीजन ठीक था। शाबाश शाबाशी शाबाश, बड़े टर्न से आना है तूने, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। जैसे जाता खड़े हो गए, मैंने पकड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं। जाना इधर से कॉर्नर से बासी, शाबाश। शाबाश शाबाश, जाने दे बासी, रुकना नहीं है। एक्सरसाइज ला दे, फुल नहीं जाने। हाँ फुल गई। पिंडी है पिंडी है। और कितना है? पहली चढ़ाई तो चढ़े हैं। फियाज भाई जो आपने ब्रिज क्रॉस किया ना, लेवल कर दिया सोचे बगैर। मैं चाहता यही हूँ कि आप सोचे ही ना। चले जी, बहुत आराम कर लिया। सो फार सो गुड। ये थोड़ा सा पत्थर वाली जगह है, हेलो। जाने दे, रुकी ना मेरे लिए, जाने दे, रुकी ना। पाँव है? ओके ओके। स्टैंड पे लगता है यहाँ पे? ये एक सेकंड भाई, असल में ना गीला हुआ है ना, पत्थर स्लिप हो रहे हैं। मैंने अल्लाह का शुक्र है टांग बचा ली अपनी काफ़ी हद तक। यह तो साथ छोड़ रहा है बासी आज भाई का इस जगह पे। यहाँ नहीं, वहाँ करेंगे, ये यहाँ मैं नहीं कर सकता, मेरा खत्म हो गया। साथ चलेंगे, सबने बाइक खड़े कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हो गया, लेट्स सी आगे क्या बनता है।
अब यहाँ हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि आगे जीपों की ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है। सनी भाई KTM पे हैं, मैं अफ्रीका ट्विन पे। अभी तक हम लोग हिम्मत करके जा रहे हैं मगर यहाँ आके थोड़ा सा जीप्स ने ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है, तो मगर चढ़ाई है ये। आप नहीं कह सकते कि इजी है सनी भाई? ना, ये इजी नॉट इजी, इजी नहीं है। ऊपर से बारिश की वजह से ना बहुत स्लिपरी हुआ हुआ है ट्रैक। ये जीप्स इसी वजह से यहाँ पे ना रुकी हुई है। आगे बबून कितना रह गया जी? ये तकरीबन रह गया है 1 घंटे का रास्ता। ये जी यहाँ पे ज़रा कीचड़ वाला ट्रैक बना हुआ है, तो जीप्स वाले भाई जो हैं वो अपना रास्ता बना रहे हैं, पत्थर वगैरह डाल रहे हैं यहाँ पे ताकि जीप्स आराम से ऊपर चली जाए। बटे रखो, काफ़ी मुश्किल काम है जी, काफ़ी मुश्किल काम। ये पहली जीप जी वो ऊपर चढ़ाने की ट्रैक कर रहे हैं, चार लोग धक्का लगा रहे हैं। ये वाली जो चढ़ाई है ना, ये बहुत ही स्टीप है। वो देखिए ऊपर तक लोग पैदल चलते हुए जा रहे हैं, मुसलसल ऐसे है, इसमें कहीं पे भी आप ब्रेक नहीं लगा सकते, इम्पॉसिबल। ये तो अभी भी बहुत बेहतर है, ऊपर चढ़ाई पे बिल्कुल गीला है, कुछ भी नहीं हो सक रहा। तो अभी हम एक और ऑप्शन चूज़ करने लगे हैं, वो ये है कि हम बाइक लेके जा रहे हैं नीचे गांव जहाँ था वहाँ बाइक्स पार्क करते हैं और सनी भाई की फॉर्च्यूनर पे एक ट्राई करते हैं ऊपर आने की। अगर वो चली गई तो आज के ब्लॉग में आप बबून देख लेंगे। इसमें भी कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी कि हमें यहाँ पर जीप स्टक हुई, हमने उन्हें देखा कि वो नहीं चढ़ पा रही थी और जो उन्होंने वो स्लिपरी पत्थर लगाया उसके ऊपर ये 50-50 टायर्स सब बाइक्स के स्किट करते, इस तरह की कीचड़ हुई है हर जगह पे देख रहे हैं। और अगर यहाँ पे तो खैर है मगर जो ऐसी स्लोप है, चलें ऐसी, उसके ऊपर अगर कीचड़ हो तो बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा बॉयज वापसी आ गए हैं, गाड़ी लेके जा रहे हैं। चटा साहब इधर ही हैं, उस्मान भाई भी इधर ही हैं, वापसी पर इनको बताएँगे क्या खूबसूरत वैली थी, कितना मज़ा आया, कितना इन्जॉय किया। ओके बाय बाय। अच्छा चलता हूँ। ये हालत है जी इस रोड की, कीचड़ है सारी और उसके ऊपर पत्थर पड़े हैं। फंस गए। ये चीज, ये जी तीनों जीपों से हमने रिक्वेस्ट करके रास्ता लिया और अब हम अपनी गाड़ी पहले लेके जा रहे हैं। ये जी यहाँ से पैदल जा सकती, वो भाई कह रहे हैं कि यहाँ से आपको रास्ता ब्लॉक 10 मिनट पैदल, 10 मिनट वॉक करके वो टॉप क्रॉस करके हमने जाना है आगे बबून। चाचा साहब यहाँ पता है आपने क्या करना है? वो भी ब्रांडेड जूते पहने आ रहे हैं, इनके फुटस्टेप्स पे जाना। मेरी आंख में चली गई बर्फ।
और मैं जूता फंसाने लगा पर मेरी आंख में चली गई। जैसा मैं पीछे हूँ, टेंशन नहीं लेनी। लोग केटू कैसे चढ़ते हैं? ये देखें बॉयज, ये सारे रोड के ऊपर ग्लेशियर है, सिर्फ पतली सी जगह है वॉक करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। वो दोनों सनी वो बैठे। ये जी एंड पॉइंट आ गया। ये बर्फ की एक दीवार है, आपके पास ऑप्शन है, या आप इसे क्लाइम कर लें या वापस चले जाए या आप ऐसे ऐसे होके चले जाए। तो क्या ख्याल है बॉयस? बॉयस उस टाइम हम बबून वैली में, ये सामने जो आपको ग्लेशियर नजर आ रहा है, इसने उस सारी ग्रीन बबून वैली को कवर किया हुआ है। अगस्त के अंदर वो कह रहे हैं कि अगस्त के अंदर ये सारा साफ हो जाएगा। अगर आपको इसके दरमियान में एक ट्रैक नजर आ रहा है जाता हुआ, तो ये गाड़ी का ट्रैक है। जब बर्फ पिघल जाएगी तो आधे घंटे की ड्राइव है, आप बैक साइड से रति गली भी जा सकते हैं। तो वी हैव डन इट। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, आई एम प्राउड ऑफ माई बॉयज। मियाँ साहब, चल साहब, सनी भाई, माशाल्लाह सब ने हिम्मत की है, सब आए हैं और बबून वैली देख ली है। बबून वैली चेक। बिस्मिल्लाह पढ़ के पिए जी, कुछ भी नहीं होता आपके पेट को। ये भाई ने, दानिश भाई ने हमें दिया जी। नहीं नहीं, ये पानी अच्छा है, साफ पानी, ग्लेशियर वाटर। इस टाइम बहुत जरूरत थी, कोई भी पानी मिल जाता पी जाते। पानी मजेदार है जी, थोड़ी सी टायरों की स्मेल है अंदर। अच्छा जी, वापसी हम उतर रहे हैं। यहाँ पे एक बड़ा ज़बरदस्त मेहमान नवाज भाई थे, उन्होंने हमें बिरयानी भी खिलाई है, बड़ी अच्छी। पुलाव टाइप था ये हॉट पॉट में आपको नज़र आ रहा होगा। अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे की तरफ, अपने रूम में जल के रेस्ट करते हैं, वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं। बड़े वाले पत्थर पड़े हुए, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा। बच्चे थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा।